नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। मुंबई के साकीनाका में महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लेटर वॉर छिड़ गई है। कोश्यारी ने मामले को लेकर राज्य विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए सीएम को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उन पर बढ़ते हमलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए श्री कोश्यारी को केंद्र से संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध करना चाहिए। सोमवार को राज्यपाल को लिखे गए पत्र में ठाकरे ने उत्तराखंड सहित भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध किया और कहा कि उनके पास एक राजनीतिक कार्यकर्ता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा इस तरह के निर्देश एक नया विवाद पैदा कर सकते हैं और लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक है। कोश्यारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा था। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोश्यारी की चिंताओं को नोट किया है। ठाकरे ने कहा, मुंबई में साकीनाका की घटना की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आपके पास एक राजनीतिक कार्यकर्ता की आत्मा है। हालांकि आपके द्वारा दिए गए निर्देश एक नया विवाद पैदा कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में मुंबई के साकीनाका इलाके में सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो में एक 34 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। 45 वर्षीय आरोपी ने पीड़िता को रॉड से प्रताड़ित किया। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा, यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक है कि राज्यपाल भी वही मांग करते हैं जो राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। राज्य ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। उन्होंने दिल्ली सहित भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध किया। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।